के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर राष्ट्रभक्त युवा संगठन एवं भारत स्काउट गाइड संघ श्योपुर के द्वारा शहर में बड़ौदा रोड स्थित पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और सरस्वती स्कूल के प्राचार्य सुभाष त्यागी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश जब आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने भारत को खंडित करने के उद्देश्य से देश की संपूर्ण रियासतों को स्वतंत्र रहने के अधिकार दिए थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत कई देशों में खंड खंड होकर बट गया होता, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक रात में एक करके सभी को विलय कराकर भारत को फिर से अखंड बनाया था और राष्ट्र को एकता का संदेश दिया था। मातृभूमि के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अटूट निष्ठा, अद्भुत साहस और संगठन कौशल की क्षमता निराली थी। स्वतंत्र भारत की अखंडता सरदार वल्लभ भाई पटेल के सफल एवं सुगठित नेतृत्व क्षमता का ही प्रतीक है। इसके साथ ही कार्यक्रम में सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय।